हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि लूना प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट मार्केट में डेड हो चुका है। इसके जितने भी इन्वेस्टर्स थे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस निकल करके आ रहे हैं कि क्या टेरा लूना कॉइन खत्म हो गया है। इनके जो भी इन्वेस्टर हैं वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो चुके हैं। इन लोगों के मन में एक चीज़ ये आ रहा है कि क्या यहाँ पर नया इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए तो प्राइस रिकवर हो सकता है, हमारा पोर्टफोलियो प्लस में सकता है या फिर नहीं। इनके फाउंडेशन की तरफ से बहुत सारी ऐसी न्यूज निकल करके आ रही हैं जो सभी टेरा लूना होल्डर्स को लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे, जैसा कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि पूरी दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है या पूरी वर्ल्ड में जितने भी रिचेस्ट पर्सन है वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन और इथेरियम में इन्वेस्टमेंट करते ही है। चाहे हम एलॉन मस्क की बात कर लें, चाहे हम माइक्रो स्ट्रेटजी के फाउंडर माइकल सेलर की बात कर लें, चाहे हम बाइनेंस के फाउंडर मिस्टर सीजर जी की बात कर लें, जस्टिन सन जी की बात कर लें, बहुत सारे ऐसे फाउंडर हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी ऐसी कंपनी हैं जो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। इसी तरीके से लूना के जो यहां पर मालिक थे उन्होंने भी बिटकॉइन में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था और लगभग 80,000 प्लस बिटकॉइन इनके पास होल्ड में थे। तो आप लोग सोच सकते हैं इन्होंने जो 80,000 प्लस बिटकॉइन बाई किए हैं, जो रिजर्व किए थे, वो जेमिनी बहुत बड़ा क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज है जो कि अमेरिका कंट्री का है, आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, और दूसरा पूरे वर्ल्ड का टॉप क्लास का एक्सचेंज जिसका नाम है बाइनेंस। तो बाइनेंस और जेमिनी एक्सचेंज पर इन्होंने दो वॉलेट मेंटेन किए थे जिन पर 80,000 प्लस बिटकॉइन थे। आप लोग सोच सकते हैं 80,000 प्लस बिटकॉइन छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है, बहुत सारा बिटकॉइन इन्होंने बाई करके होल्ड किया धीरे धीरे करके। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आप लोग खुद सोचिए, जितने भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हैं उन लोगों के पास में इतने ज्यादा बिटकॉइन नहीं होल्ड किए होंगे जितना टेरा लूना के फाउंडर ने होल्ड कर दिया। तो ये आप सभी लोगों को भी सोचना चाहिए कि आखिर इतना पैसा इनके पास आया कहां से कि 80,000 प्लस बिटकॉइन बाई कर लिए। आप चाहे जस्टिन सन की बात कर ले, चाहे बाइनेंस के सीजेड की बात कर ले, चाहे आप कार्डेनो के चार्ल्स होस्किंसन जी की बात कर ले, चाहे आप पोल्काडॉट के फाउंडर की बात कर ले, बहुत सारे ऐसे मार्केट में फाउंडर्स हैं जिनके पास इतने बिटकॉइन नहीं होंगे, लेकिन फिर भी टेरा लूना के फाउंडर के पास जो है 80,000 प्लस बिटकॉइन है। इसका मतलब कहीं ना कहीं टेरा लूना क्वाइन जब $100, $110, $120 पर चल रहा था तो वहां पर इन्होंने अपने टोकन्स को सेल किए होंगे और प्राइस तभी डंप हुआ है। आप लोगों को अच्छे से याद है कि टॉप 10 कैटेगरी का ये लूना क्वाइन आता था जिसमें पूरी वर्ल्ड वाइड जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स थे, व्हेल्स थे, बिग प्लेयर्स थे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, पूरी वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने इसमें मोटा पैसा इन्वेस्टमेंट किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्राइस बहुत ही अच्छा खासा $100 से प्लस चला गया। और आपको पता है जब $1 का क्वाइन है और $100 जाएगा तो क्या होगा, यहां पर पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाएगा प्रोजेक्ट और उसमें बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। और टॉप 10 टॉप 15 रैंक का क्वाइन कोई भी हो उसमें लोगों की नजर रहती ही है और लोग उसमें रिस्क लेते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो जिसकी वजह से लूना क्वाइन का प्राइस जो है वो $100+ चला गया। और मेरा जो पर्सनल परसेप्शन है वो यही है कि इनके जो फाउंडर हैं वहां पर अपने टेरा लूना क्वाइन को सेल करना स्टार्ट कर दिया होगा और उसके बाद में क्या हुआ, प्राइस डंप स्टार्ट हो गया। $120 के आसपास गया था, उसके बाद $100 आया, $80 आया, $70 आया, $60 आया, और उसके बाद में अचानक बिटकॉइन, आप सभी लोगों को पता है जब $45,000 के आसपास था तो टेरा लूना क्वाइन $120+ का होता था, और जैसे जैसे बिटकॉइन $30,000 पर गिरा तो टेरा लूना क्वाइन जो है वो लगभग $60-70 का आ चुका था। तो कहीं ना कहीं आप खुद सोचिए कि $120 से $60-70 आना टेरा लूना क्वाइन को, उसमें बहुत बड़ी सेलिंग हुई, लोगों में कहीं ना कहीं पैनिक का माहौल आया जिसकी वजह से क्या हुआ, प्राइस डंप हुआ। अब यहां तक तो बात समझ में आती है क्योंकि $45,000 के आसपास था और उसके बाद में बिटकॉइन जब और 30,000 पर गिरा तो जितने भी बड़े बड़े मार्केट कैप वाले प्रोजेक्ट थे, चाहे वो इथेरियम हो, कार्डेनो हो, या फिर पोल्काडॉट हो, लिंक हो, या फिर और कोई क्रिप्टो करेंसी हो, हर एक क्रिप्टो करेंसी मार्केट में डंप हुई। डंप जब तक हुई तब तक कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टेरा लूना होल्डर्स को नहीं थी, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, सिर्फ 2 दिन में लोगों का पोर्टफोलियो एकदम से खत्म हो गया। तो यहां पर क्या हुआ, लोग बहुत ही ज्यादा घबरा गए, परेशान हो गए कि शायद टेरा लूना क्वाइन क्यों डंप हो रहा है, इतना ज्यादा क्यों खत्म हो गया है। उसके बाद में क्या हुआ, कोई भी पॉजिटिव न्यूज नहीं निकल करके आई जिसकी वजह से क्या हुआ, टेरा लूना क्वाइन डंप होता चला गया और लोगों का पोर्टफोलियो बिल्कुल भी खत्म होता चला गया।
इसके बाद में बात करेंगे। आप लोग खुद सोचिए कि इनके पास जर्मनी एक्सचेंज और बाइनेंस एक्सचेंज पर जो 80,000 प्लस बिटकॉइन होल्ड किए थे वो नेटवर्थ जो थी वो 2.5 बिलियन डॉलर्स की थी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब यहां पर जो मेरा पर्सनल परसेप्शन है कि इतने सारे बिटकॉइन इन्होंने बाई किए थे सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोजेक्ट को बचाने के लिए, और इनका जो स्पेशल स्टेबल कॉइन था यूएसटी कॉइन उसको भी रिजर्व करने के लिए, बैकअप करने के लिए। तो आप लोग खुद सोचिए, ये चाहे तो बैकअप कर सकते हैं यूएसटी प्राइस $1 पे, लेकिन वही है कि अगर नियत ही नहीं सही है मालिक की तो प्राइस कहां से रिकवर होगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि क्या ये प्राइस रिकवर होगा। प्राइस रिकवर तभी होगा जब इनके फाउंडर चाहेंगे, जब इनकी टीम चाहेगी, जो डेवलपमेंट टीम है वो चाहेंगी, इनके जो साथ में लोग काम करते हैं वो लोग चाहेंगे, तभी होगा प्राइस रिकवर। उसके अलावा मुझे कहीं भी नहीं लग रहा है कि इतना प्राइस जो डंप हो गया है, प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, कहीं से भी रिकवर होने के चांस है। तो यहां पे जो 80,000 प्लस बिटकॉइन इन्होंने होल्ड किए थे, अगर इन 80,000 प्लस बिटकॉइन में से लूना क्वाइन को बाई कर लेते हैं, यूएसटी क्वाइन को बाई कर लेते हैं, तो हो सकता है कि प्राइस कुछ रिकवरी दिखा सकता है। उसके बाद में आप सभी लोगों को पता है कि पूरी वर्ल्ड वाइड यहां पर बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो यहां पर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिखा रहे हैं, चाहे वो इथेरियम के फाउंडर हों, या फिर बाइनेंस के फाउंडर हों, या फिर कार्डेनो के फाउंडर हों, या पोलकाडॉट के फाउंडर हों, जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो इनका साथ नहीं दे रहे हैं। आप लोग खुद सोचिए, अगर मार्केट में आप कोई भी गलत काम करते हैं, फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं, तो आपके साथ में कोई भी साथ नहीं देगा, जिसकी वजह से क्या है, लोग बहुत ज्यादा निगेटिव हो चुके हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करें, यहां पर सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि जब तक ये नहीं चाहेंगे बाई करना, इन्वेस्टमेंट करना, तब तक क्या होने वाला है, प्राइस कहीं से भी रिकवर होने के चांसेस नहीं है। और जितने भी टेरा लूना प्रोजेक्ट के यहां पर इन्वेस्टर हैं, उनके लिए बुरी खबर यही है कि ये प्राइस इतना आसान नहीं है रिकवर करना। और उसके बाद में अगर कोई मार्केट में पॉजिटिव न्यूज आती है, जैसे इनके फाउंडर की तरफ से कोई पॉजिटिव न्यूज आए, उसके बाद में इनकी फाउंडेशन जो टीम है उनकी तरफ से अच्छी अच्छी न्यूज आए, उसके बाद जो डेवलपमेंट टीम है उनकी तरफ से अच्छी न्यूज आए, तभी कुछ प्राइस में इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अदरवाइज हमारे को कोई भी प्राइस मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। आप सभी लोगों को पता है कि इसकी जो क्वाइन मार्केट कैप पर रैंक होती थी पहले वो 10 नंबर पर होती थी, लेकिन आज की डेट में 200 प्लस जा चुकी है। इट मींस दैट आप खुद सोचिए कि 200 प्लस, 300 प्लस, 400 प्लस के प्रोजेक्ट में लोगों का ट्रस्ट हट जाता है, लोगों का बिलीव जो है वो हट जाता है, उस प्रोजेक्ट में लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इसका रैंक इतना ऊपर जा चुका है। और भी बहुत सारी ऐसी न्यूज है, बहुत सारा नया इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है। आपको पता है $100 का क्वाइन पैसों में आ चुका है, तो यहां पर क्या होगा, बहुत सारे ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स होने वाले हैं कि जो वो फंसेंगे टेरा लूना क्वाइन में, एकदम मैं 100% लिख करके दे रहा हूं, क्योंकि वो लोग लालच करेंगे कि यार 0.000 समथिंग करके रेट चल रहा है, अगर यहां पर इन्वेस्टमेंट कर दिया, अगर $1 भी चला गया तो बहुत अच्छा करोड़पति अरबपति में बन जाऊंगा। लेकिन मैं 100% गारंटी देता हूं इस चीज की कि ये कहीं नहीं जाने वाला है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट मत करिए। और इन्वेस्टमेंट करना ही है, अगर आप बहुत ज्यादा हाई रिस्क ट्रेडर हैं तो आप $5, $10, $20 का ही इन्वेस्टमेंट करिएगा, और वही पैसा इन्वेस्ट करिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, वही पैसा इन्वेस्टमेंट करना है कि आपका फंड अगर जीरो भी हो जाए तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए जितने भी रिस्क ट्रेडर हैं, स्पेशल ट्रेडर हैं, जो रिस्क लेने के बहुत ज्यादा शौकीन है, वो $10, $20, $50 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इस प्रोजेक्ट से अब दूर हो जाइए, वो ज्यादा बेटर होगा। जो आपने पहले क्वाइन बाई किए थे, जो होल्ड किए थे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नया क्वाइन मिलेगा, जो भी होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि आपने ₹1,00,000 इन्वेस्टमेंट किए थे वो लगभग आपका पैसा डूब चुका है। तो इसलिए प्लीज नया इन्वेस्टमेंट मत करिए, बिल्कुल भी जरूरत नहीं, अगर आप रिस्क लेने के ही शौकीन है। मैं बार बार बोलता हूं कि क्रिप्टो इंडस्ट्री इतनी बड़ी रिस्की है, और उसके बाद में जब आप इतना रिस्क के अंदर आ चुके हैं तो कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा अगर रिस्की हो गया है तो उससे दूर ही रहिए, तो ज्यादा बेटर होगा। और यहां पर अगर आप चाहते हैं बहुत ज्यादा हाई रिस्क लेना चाहते हैं तो आप $10, $20, $50 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपका यहां पर प्रॉफिट हुआ तो बहुत अच्छी बात है, और लॉस हो गया तो वो आप लूज करने के लिए भी रेडी रहिए। बहुत सारे ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स आने वाले हैं, अगेन मैं बता रहा हूं, वो लालच करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और उनका पैसा डूबेगा, एकदम 100% मैं सियोरिटी देता हूं इस चीज की। आप लोग देख लीजिएगा, इस वीडियो को याद करके रखिएगा, टेरा लूना क्वाइन। बहुत सारे लोग मार्केट में नए यूट्यूबर आ गए हैं, नए अपने आप को एनालिस्ट बता रहे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं $1 चला जाएगा, $5 चला जाएगा, $10। अरे कहां से चला जाएगा भैया, सप्लाई आप देखिए मिलियन ट्रिलियन में चली गई है। जब सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई है तो फिर रेट इतना ज्यादा कैसे बढ़ जाएगा। आप खुद सोचिए, इस समय टेरा लूना क्वाइन नहीं है, टेरा लूना मीम क्वाइन बन चुका है।
जैसे सिबा क्वाइन है, डॉज क्वाइन है, बहुत सारे मार्केट में बेबी डॉज क्वाइन है, उनके प्राइस कहाँ है? 0.0000, इतने जीरो लगे हुए हैं कि आप ही कंफ्यूज हो जाए किस रेट में हमने खरीदा है। तो इसलिए आपको इन प्रोजेक्ट से दूर रहना है। मीम क्वाइंस में हमेशा $5, $10, $20 का ही इन्वेस्टमेंट करना है। अदरवाइज आपका पैसा है, आपकी प्रॉपर्टी है, आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मुझे कोई पर्सनली प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो रियलिटी है, जो जेन्युइन है, वो मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं। मत इन्वेस्टमेंट करिएगा। और हाँ, ये मत सोच करके इन्वेस्टमेंट करिएगा टीम अच्छी है, सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन जब प्राइस आप देखिए 0.000 कितने जीरो लग गए हैं, सप्लाई कितने जीरो में हो चुकी है, तो आपका पोर्टफोलियो भी उसी तरीके से जीरो हो जाएगा। इसलिए आप लोग बच करके रहिएगा। टेरा लूना कॉइन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी अभी भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आया है, नॉलेज मिली है, इन्फॉर्मेशन मिला है, तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर सभी लोगों को कीजिएगा। जितने भी टेरा लूना क्वाइन में सपने देख रहे हैं कि करोड़पति अरबपति में बन जाऊंगा, उन लोगों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।